अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं अपने चैनल पे क्विज़ शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछूंगी और आप लोगों को आंसर करना है। तो वीडियो के बीच में मैं पूछूंगी, ऐसा मैंने कहा था, लेकिन आज मैं कुछ आसान कर देती हूँ। आज मैं पहले ही पूछ लेती हूँ कि मैं आज इस वीडियो में कितनी बार कचौड़ी का वर्ड लेने वाली हूँ। आप लोगों ने काउंट करना है और कहाँ से काउंट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप लोग में से कोई लोग जो लोग आंसर सही देते हैं उनमें से रैंडमली सिलेक्टेड को मैंने उनका गिफ्ट जरूर से दूंगी। तो चलिए आ जाइए, क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। तो आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे की कचौड़ी, जो कि बिल्कुल हेल्दी है। आप तौर पे बनने वाली मैदे की कचौड़ी से बिल्कुल हटके और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो क्विज के साथ साथ आप, यानी कि गिफ्ट जीतने के साथ साथ, आप एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी भी आप देख सकते हैं, अगर आप अपना बनाना चाहते। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। अब यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे गेहूं के आटे की कचौड़ी तैयार करने के लिए 3 कप आटा लेंगे गेहूं का, जिसे हम रोटी बनाते हैं, आपने वही आटे ले लेनी है। और अब चलिए 1 चम्मच यहाँ मंगरेला का लेंगे, आप अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, और 1 चम्मच घी का डाला है। घी डालने से आपका डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और खास्ता भी बनेगा जब आप कचौड़ी तैयार करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच मैंने सोडा का डाला है। सोडा अगर आप नहीं डालना पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ नमक मैंने डाला है। तो आप ये सारे मिक्सचर को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब डालेंगे हम हल्के गुनगुने वाटर से, अब इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। तो गुनगुना वाटर डालने से ना ये होता है कि आपका डो बहुत ही बढ़िया सा होता है, कलर भी काफ़ी अच्छा आता है, बिल्कुल मैदे की तरह जैसा वाइट होता है ना वैसे ही आपका आटा हो जाएगा। तो अगर आप चपाती भी बनाते हैं ना तो ऐसे ही करें, हल्के गर्म पानी से आप अगर आटे को गूंधेंगे तो बहुत ही अच्छा सा आपका डो तैयार होगा। तो यहाँ हमारा अभी डो थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है, इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हमारा आटा जब रेस्ट कर रहा होता है तब हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो इसको रेस्ट कैसे करना है, इसमें आप एक टॉवल रख दें, टॉवल रख के थोड़ी देर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपका आटा सेट हो जाएगा बनाने के लिए। तो अब चलिए, अब यहाँ जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो आमतौर पर जितने भी आप कचौड़ियाँ खाई होंगी उसमें मूंग दाल का यूज़ होता है, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की जगह सत्तू का यूज़ करने वाले हैं। सत्तू का यूज़ कीजिए, आपका जो कचौड़ी है बिल्कुल बहुत ही यमी बनेगा, आप ज़रूर से ऐसे बना कर देखिए। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है 2 चम्मच, और यहाँ पे जीरा और सौंफ से मैंने इसे छोंका है, और 1/2 छोटे चम्मच मैंने हींग का यूज़ किया है। जो लोग नहीं पसंद करते हैं आप स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 1 कटोरी के करीब सत्तू डाला है मैंने, तो आपके यहाँ जितने लोग हैं आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसे। अब इसे अच्छी तरीके से भून लेना है, सत्तू ऐसे ही महक में बहुत ही अच्छी होती है। अभी ये भूनने के टाइम बहुत ही अच्छा सा एक एरोमा भी आने लगता है, तो आप इसे बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीकेंड हो या फिर वीकडेज है, आप सभी में बनाकर तैयार कर सकते हैं, घर में सभी को खिलाइए, सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आई होप आप अभी मेरे चैनल पे और वीडियो पे बने हुए हैं, तो काउंट करते रहिए कितनी बार मैंने वो वर्ड लिया है। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी, यानी कि मसाले डालेंगे, पाउडर मसाले। तो 1 चम्मच हम यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, और 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच धनिया डालेंगे, और 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे गोलकी का पाउडर डालेंगे जो कि क्रस्ड है, ठीक है। तो इतने मसाले आप ज़रूर से डालिएगा, आपकी जो कचौरी है बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम भून लिए हैं बहुत ही अच्छा से, हमारा सूखा मसाला है अभी। और अब चलिए 1 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे अचार, ठीक है। तो ये मैंने जो घर मार्केट में मिलने वाली जो अचार होती है वो डाला है मैंने, आप घर का अचार भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स पिकल डाल दिया है 1 चम्मच, और अभी से अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद आपको लग रहा है कि हमारा ड्राई मिक्सचर है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और आपका मिक्सचर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे पानी को ऐड किया है, और अब 1 चम्मच मैं यहाँ पे सॉल्ट का ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने 1 चम्मच डाला है, और ये डालने के बाद हमने 1/2 नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से आपका मिक्सचर काफ़ी टेस्टी हो जाएगा, तो नींबू का रस भी ज़रूर से डालिएगा लास्ट में। और डालने के बाद आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है कचौड़ी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम कचौड़ी बनाने की प्रोसेस भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, चलिए मिक्सचर तैयार हो गया, उधर हमारा आटा तैयार हो रहा है। तो आटा देख लेते हैं कि हमारा कैसा बना है, चलिए देख लेते हैं।
बिल्कुल आपको मार्केट में मिलने वाली कचौरी है ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा आटा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तब तक हमारा आटा जो था वो चिपचिपा सा था, लेकिन अब यहाँ पे आटा को देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। आप खुद से हाथ से इसे करके देखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, जो हलवाई लोग होते हैं वो थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट डोक करते हैं, लेकिन वो हमसे नहीं होने वाला। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है ना, एक एक लोई लेते जाना है। जैसे आप चपाती के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं आप उतनी बड़े ले लें, और उसके बाद इस तरीके से ना बीच में हल्का मोटा रखते हुए आपको साइड के जो साइड के जितने भी है ना पेजेस को आपको पतली कर देनी है, और उसके बाद आपको बीच में फिलिंग रखनी है। फिलिंग डेढ़ चम्मच जैसी रखें, और उसके बाद ना इसे अच्छी तरीके से एक पोटली का शेप जो होता है वो दे दें, और उसके बाद हाथों की मदद से प्रेस कर दें। इसे बेले नहीं, रोलिंग पिन से अगर आप बेलना चाहते हैं तो प्लीज़ नहीं बेलेगा, बेलने से आपकी कचौरी नहीं वो पूरी बन जाएगी। इसलिए आपको इसे बेलना नहीं है, हाथों की मदद से प्रेस करना है, ठीक है। जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही कर लेना है। तो अब यहाँ पे बाकी के भी कचौरी हम रेडी कर लेते हैं और इसे फिर हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे कचौरियों को रेडी कर लेते हैं। तो अगर आप वीडियो में अभी भी बने हुए हैं तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो लोग सोचते हैं कि मैं ये गिव अवे नहीं देने वाली, मैं बस बोलती हूँ और गिव अवे नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल गिव अवे करूँगी, ये हर हफ्ते होगी। और आप पार्टिसिपेट करके देखें, मैं आपको अगले हफ्ते ही आप लोगों को आपका गिफ्ट जरूर से दूँगी। तो बने रहिए, और ये जब क्विज मैं कर रही हूँ तो ज़्यादा लोगों की मुझे ज़रूरत है, ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मुझे मज़ा भी आएगा। उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करना है तो कुछ ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तभी हो पाएगा। तो एक लोग जो है ना एक ही कमेंट करिएगा, दो तीन नहीं करना है, एक ही करना है, ठीक है, ताकि मुझे आसानी हो रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए। तो ये इसके लिए ना आप लोगों को 2 से 3 दिन रुकना होगा, उसके बाद ही मैं विनर अनाउंस करूँगी, जब ज़्यादा लोग कमेंट कर लेंगे उसके बाद ही। तब यहाँ पे हम फ्राई करने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो तेल आपको बिल्कुल ज़्यादा हीट नहीं करना है, ज़्यादा हीटेड ऑयल में अगर आप फ्राई करेंगे तो आपका जो कचौड़ी है वो पक तो जाएगा लेकिन ऊपर से सिर्फ अंदर में बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपको इसके लिए ना थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप डालते हैं तो आप डाल के थोड़ी देर बैठ जाएँ और थोड़ी देर तक इसे सीखने दें, तो एकदम हल्का सा स्लो फ्लेम पे आप छोड़ दें, धीरे धीरे आपकी कचौड़ी तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। आप जरूर से इसे ट्राई कीजिए, मेरे जैसे बताए हुए जितने भी मेथड मैंने बताया है वो सारे फॉलो कीजिए, आपकी भी कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी अच्छी बनेगी। तो ये बिल्कुल बिहारी डिश है, बिहार झारखंड में बनने वाली डिश है, और अगर आप लोग बिहार झारखंड से नहीं हैं तो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है, और जैसा आना चाहिए था कचौरी में वैसे ही आ गया है शेप भी। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर से ही आपको दिख रहा होगा कि अब बिल्कुल खास्ता सी हमारी कचौरी रेडी है। तो मैं यहाँ सामने से भी दिखा देती हूँ। तो चलिए अब इसे आप आलू की और चने की सब्जी के साथ इसे आमतौर पर खाते हैं तो वही घर पे बना लें और खाएं। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी। ये बिल्कुल कम तेल में कम मसालों के साथ मैं वैसे बनाती हूँ, और बहुत ही इजी झटपट सी 5 से 10 मिनट में बनने वाली ये सब्जी मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी। तो अभी हमारी कचौड़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, और गिव अवे में जो पार्टिसिपेट सॉरी क्विज में पार्टिसिपेट जरूर से कीजिएगा। अब तक मैंने कितनी बार कचौड़ी का वर्ड लिया है आप लोगों को काउंट करना है, और जल्दी से मुझे बताना है ताकि मुझे आसानी हो, और ज़्यादा लोग करेंगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ज़्यादा लोग करेंगे तभी मैं ये क्विज कर पाऊँगी, इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं ताकि मुझे आसानी हो क्विज में विनर को अनाउंस करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और ये वीडियो में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कुछ लोगों में शेयर ज़रूर से कीजिए, मुझे बताइए इंस्टाग्राम में, और सारे रूल्स को फॉलो कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में समझा दिया है, आप वहाँ से चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए और इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नए ब्लॉग या फिर रेसिपीज के साथ। मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ, यूट्यूब के मोनेटाइजेशन मैंने कैसे बने रही है, बहुत सारे हेल्प डालने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।